समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक केस की सुनवाई के बीच अब इंदौर में इसका विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर सामाजिक संगठनों और उनके कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार शाम को ये सभी संगठन के लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस विचाराधीन है, वहीं इस केस के विरोध में महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि ये पाश्चात्य संस्कृति हम भारत में नहीं होने देंगे, भारतीय संस्कृति की अपनी परंपरा है, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का मामला पार्लियामेंट का विषय है, फिर क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा है। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने समलैंगिक कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं महिलाओं का कहना है कि भारत की सनातन संस्कृति में समलैंगिकता का कोई स्थान नहीं है, इस कानून से आगामी दुर्गामी परिणाम घातक साबित होंगे। जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट जो सेम सेक्स मैरिज पर रिकॉग्निशन की बात कर रहा है, ये कानून के साथ साथ एक जटिल सामाजिक मुद्दा भी है। अगर हम इसके परिणाम देखें तो स्पेशल मैरिज एक्ट होता है, उसके अंदर ये रिकॉग्निशन चाह रहे हैं, वो मैरिज के साथ साथ और भी प्रचलित कानून जो है उसमें भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कानून रहेगा, जो महिलाओं को लिंग के आधार पर एक प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अगर दो जोड़े जो कि महिला और महिला ही है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ विवाद होता है तो इसमें प्रोटेक्शन किसको मिलेगा, ये भी एक सोचने की बात है। सामाजिक स्तर पे एक अगर कपल कोई लड़की या लड़कियां, लड़का या लड़का अगर अडॉप्ट करते हैं तो उनको बालिका को और बच्चों को क्या प्रभाव पड़ेगा उनके मन पे, ये सोचने की बात है। और उन बच्चों के ऊपर वो हमेशा समाज के टुवर्ड हमेशा आक्रोशित ही रहेंगे। मनोविज्ञान कहता है कि ये एक विकृति है, एक ये नई विकृति है और अभी ये कुछ लोगों तक ही सीमित है। अगर ऐसा विज्ञान आता है, ऐसा लीगैलिटी आती है तो ये सामान्य लोगों के ऊपर भी बढ़ता जाएगा, जो एक नया डेवलपमेंट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। बस ये निवेदन है। अनुष्का भार्गव, हाईकोर्ट एडवोकेट। थैंक यू। प्रकरण विचाराधीन है जिसमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की जाए। हम सभी का, पूरे समाज का, विभिन्न धर्मों की बहनें आज इस ज्ञापन विरोध प्रदर्शन में है। हम सभी का यह आग्रह है कि इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं आना चाहिए जो भारतीय परिवार व्यवस्था, भारतीय मानबिंदु और भारतीय संस्कृति पर प्रहार करता हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय आम जनमानस की भावनाओं का ध्यान रखते हुए ऐसा कोई भी कानून को प्रस्तावित नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जो भी अप्राकृतिक है, जो भी अनैसर्गिक है, वो घातक ही है। जिस प्रकार की परिवार व्यवस्था, जिस प्रकार की संस्कृति का हम पालन करते हैं, वो सनातन संस्कृति है, उसके विरुद्ध अगर कुछ भी है तो वो समाज के लिए घातक है। ये तो क्या दिख रहा है, इसी को लेकर है ना, ये ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति महोदय के नाम से, ज्ञापन दिया है प्रशासन है ना, मतलब प्रॉपर तरीके से ज्ञापन को बता दें कि समलैंगिक कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। 28 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, लेकिन अब इस मामले को लेकर पहले ही विरोध शुरू हो गया है और ये कहा जा रहा है कि ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, इसलिए महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए इंदौर से सचिन बहरानी की रिपोर्ट।